सेल दिस पेन टू मी, ये पेन मुझे बेचकर दिखाओ। वेल, ये सवाल आपको इंटरव्यू के दौरान अक्सर पूछा जाएगा एंड इस सवाल के जवाब के ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, बिकॉज इस सवाल के जवाब से इंटरव्यूअर को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपकी सेल्स स्किल्स कैसी हैं, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स कैसी है, क्या आप क्लाइंट्स को कन्विंस कर भी पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, बहुत सारी चीज़ें एक ही सवाल के जवाब से क्लियर होती हैं, इसीलिए ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। वेल, अगर आप इंटरनेट पे इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको जवाब तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट सबसे पहले एक चीज़ समझनी है, आपको जवाब कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए बट आपके पास पेन नहीं है, सो डू यू वॉन्ट दिस पेन, अब ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ देना पड़ेगा, पेन नहीं है तो पेन की नीड क्रिएट कर दी। वेल, लोग इस तरीके के घिसे पिटे आंसर दे तो देते हैं बट वो साइकोलॉजी को नहीं समझते कि ये आंसर दिया क्यों गया। रीज़न है कि हमें जब भी कुछ बेचना होता है हमें एक नीड क्रिएट करनी होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको नीड क्रिएशन का एक बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत सरल तरीके से, बहुत सिंपल एंड इफेक्टिव वे से इस पेन को बेच देंगे। अब इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए कभी इंटरव्यूअर ऐसा भी कह सकता है आपको कि मान लो ये पेन बहुत चीप क्वालिटी का है, या कभी इंटरव्यूअर ऐसा कह सकता है मान लो ये पेन बहुत एक्सपेंसिव है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको नीड क्रिएशन सिखाने वाला हूँ एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पेन को आप भी कितने आसानी से बेच पाएंगे, खासकर इंटरव्यू के दौरान। अब घिसे पिटे आंसर्स को आपको फॉलो नहीं करना, बिकॉज ज़्यादातर लोग जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो वही घिसे पिटे आंसर्स को लेकर आने वाले हैं एंड उससे इंटरव्यू इंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वो आंसर दिया हुआ है, तो क्यों ना आप कुछ अलग तरीके से आंसर दो, हटकर आंसर दो, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सेल दिस पेन टू यू, मैं आपको ये पेन बेचकर दिखाने वाला हूँ एंड जिस तरीके से मैं ये करने वाला हूँ बिल्कुल वैसे ही आप कर सकते हैं। तो मान लेते हैं आप इंटरव्यूअर हैं, आपने मुझे बोला ये पेन आप मुझे बेचकर दिखाइए, सो आई विल स्टार्ट नाउ, मैं शुरू करूँगा इस पेन को बेचना। तो मेरा सवाल है आपसे, सर आपने लास्ट टाइम अपने फादर को कब गिफ्ट दिया था? हो सकता है आप बोले आपने बर्थडे पे दिया था, आपने एनिवर्सरी पे दिया था, इंटरव्यूअर कुछ इस तरीके से बोले। सर जब भी हम अपने फादर को कोई गिफ्ट देते हैं उन्हें कैसा लगता है, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें बुरा लगता है? डेफिनेटली अच्छा लगता है। तो सर आपने ओकेजन्स पे गिफ्ट देके अपने फादर को तो अच्छा फील कराया है, बट कैसा रहेगा अगर आज शाम को आप जाएं एंड आप अपने फादर को एक बहुत शानदार गिफ्ट दें? डेफिनेटली आपके फादर को अच्छा लगेगा। तो सर हेज अ पेन एंड इस पेन को आप अपने फादर को गिफ्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फादर को जो बेस्ट गिफ्ट है देने के लिए वो कहीं ना कहीं एक शानदार पेन होता है। तो यहाँ पर मेरे पास सर एक बहुत खूबसूरत पेन है एंड ये आप अपने फादर को गिफ्ट दे सकते हैं एंड डेफिनेटली आप उन्हें अच्छा फील करा सकते हैं। सो हियर इज माय पेन फॉर यू, दैट्स इट। सो व्हाट वी डिड, इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक नीड क्रिएट करी। कुछ भी बेचना है, नीड क्रिएट करनी है। अब वो पेन क्यों खरीदेगा, उसे लिखना है, आप लिखना कैसे पसंद करते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट ये तरीका आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तरीका मेरा खुद का तरीका है। अब मैंने ये तरीका आपके लिए इन्वेंट किया कि एक नीड क्रिएशन करना है एंड गिफ्ट्स को लोग मना नहीं करते। गिफ्ट्स के लिए लोग 20 रुपये भी खर्च करते हैं और 20,000 रुपये भी खर्च करते हैं, तो यहाँ पर प्राइस की भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने बात ही नहीं करना कि ये पेन कैसा लिखता है, कैसा दिखता है, किस क्वालिटी से बना है, किस ब्रांड का है, इसके ऊपर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जितने और लोग आएंगे ना वो सब ये करने वाले हैं। बट आपको मैं एक डिफरेंट तरीका बता रहा हूँ जिससे आप डिफरेंट दिखें। तो एक बार दोबारा करते हैं। अब मान लेते हैं वो इंसान के फादर नहीं है, तो आपको एकदम से लगेगा अरे वो तो इंसान काफ़ी बड़ा है, हो सकता है उसके फादर हो ही ना, तो क्या करें? वेल आई विल ट्राई दिस। सर आपके बच्चे हैं? डेफिनेटली हो सकता है इंसान बोले जो इंटरव्यू ले रहा है कि हाँ मेरे बच्चे हैं। सर क्या क्या नाम है आपके बच्चों का? अब वो अपने बच्चों का नाम बताएगा, इससे पता लग जाएगा लड़का या लड़की है। एनीवेज सो मान लेते हैं बच्चा है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, सर 10 साल का बच्चा है। तो सर आपने अपने बच्चे को लास्ट टाइम कब गिफ्ट दिया था? सेम, अब इंटरव्यूअर बोलेगा कि हो सकता है उसने बर्थडे पे गिफ्ट दिया हो, डन, उसने कभी भी दिया हो। सर जब आप अपने बच्चे को गिफ्ट देते हैं उसे कैसा लगता है? उसको अपने बच्चे का चेहरा याद आ जाएगा, कहेगा बहुत अच्छा लगता है। सर अब ज़रा सोचिए, आपने ओकेजन्स पे तो बहुत बार गिफ्ट दिया है, बट आज बिना किसी ओकेजन के जब आप अपने बच्चे को गिफ्ट देंगे उसे कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। सो हियर इज अ पेन सर, ये पेन आपके बच्चे की हेल्प भी करेगा, उसकी पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है एंड डेफिनेटली एक बहुत शानदार गिफ्ट है अपने बच्चे को देने के लिए। सो सर ये पेन आज शाम को आप अपने बच्चे को गिफ्ट कीजिएगा एंड उसे अच्छा फील कराइएगा।
वेल इसे कोई डिनाई नहीं करे, वाई शुड एनीबडी डिनाई गिफ्टिंग अ पेन। तो यहाँ पर हुआ क्या, आपने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट किया, नीड आइडेंटिफिकेशन एक डिफरेंट तरीके से करी एंड आंसर ऐसा दिया जो ज़्यादातर लोग नहीं देते। सो आपने इन शॉर्ट अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर दिया, आपने बेचकर भी दिखाया एंड आपने प्रूफ किया आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, क्रिएटिविटी भी है, सेल्स स्किल्स अच्छी हैं, आप कन्विंस कर सकते हो। एंड आई होप अगर आपने इस तरीके से आंसर दिया तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली गारंटी हो जाएगा। सो प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है एंड दिस इज जस्ट वन थिंग। सी अगर आप इंटरव्यू में अच्छा करना चाहते हो एंड ओवरऑल लाइफ में आप अपनी पर्सनालिटी से डिफरेंट दिखना चाहते हो, सो आई विल रिकमेंड यू दिस ट्रेनिंग कोर्स जिसका नाम है एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वेल 2 महीने की एक सीक्वेंशियल लर्निंग ट्रेनिंग है एंड ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर किस तरीके से आप लोगों को अपना फैन बना सकते हैं ये इस ट्रेनिंग कोर्स में सिखाया हुआ है। सो इसकी जानकारी आप इस नंबर पे कॉल करके पूरे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। एंड फाइनली इस कोर्स की जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी PDF के माध्यम से है, तो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कितना कुछ इस कोर्स में सिखाया हुआ है जिसे आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू कॉल दिस नंबर एंड ज्वाइन दिस कोर्स। एंड इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए सो दैट लोगों को समझ आए कि जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सेल दिस पेन टू मी तो किस तरीके से इसका आंसर देना है। फाइनली मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।